प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। शब की तन्हाइयों में कभी हो, दिन की परछाइयों में कभी, शब की तन्हाइयों में कभी जान, अगर मसला कबाबों का है ना, तो हम आज सारे काम छोड़कर सबसे पहले वहीं जाएंगे। सुबह जो पराठे खाए थे वो अभी तक हजम नहीं हुए हैं। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं अबू, वो तो जुल्फाम कह रहे थे कि उनको बदहजमी की शिकायत है। ठीक ही तो है, समर के ठीकरे की मांग जो ठहरी शीरीन। अब खुदा रखे दोनों ही जवानी की कगार पर पहुंच रहे हैं, पर तू तो मैं से बाज नहीं आते। अरे ओ नेकबख्त, तेरे कपड़ों पे स्प्रे कर रही थी, मेरे दोनों हाथों में चपेट लग गई। अच्छा दिखाओ जरा, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे ओ आंखों के अंधे, ना ही हाथों में जख्म हुए हैं, ना ही खून बह रहा है। बिटिया, आपने हमें बुलाया था। हाँ बिटिया, क्योंकि आपका हुक्म है, जब तक हम ना कहें आप चलेंगी फिरेंगी नहीं। हाँ तो बिटिया की बातें, दुश्मनों के कान बहरे, बड़े बड़े हमारे पैर रह गए हैं बिटिया। हम है ना। खुदा आपको दुनिया रहती तक सलामत रखे, और फिर काम काज करने से, चलते फिरने से शरीर में चुस्ती बनी रहती है। चलिए तो फिर काम कीजिए। सच? ये हुई ना बात। कहाँ? जाकर हमारे लिए गुट्टे लेकर आइए। जाइए। अभी लाते हैं। जहाँ कहीं भी हो सीधे इसी वक्त आओ। मैं अभी नहीं आ सकती, कुछ देर बाद आऊंगी। नहीं। हाँ। देखो शिरीन, मैं जो भी दिखाना है जब आऊं तभी दिखाना। शिरीन मैं कह रहा हूँ सीधे तरीके से, अभी के अभी आप। तुम तेरी तरह से भी कहोगे तब भी जब आना है तभी आऊंगी। शिरीन अगर मैं वहाँ आ गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वही हश्र होगा जो हर बार होता है। याद है? ये याद कराऊं क्या दोहराऊं? अरे बाप रे जुल, तूने ये क्या कर दिया? फिर के छित्ते को तूने छेड़ दिया? पिछली दफा दो कटहले मुर्गे तेरे पीछे छोड़ दिए थे और तू पूरे घर में भागा भागा फिर रहा था। अरे बाप, अब क्या करूं मैं?
चुप्पी साध ले भाई, चुप्पी साध ले। सांप सूंघ गया क्या? अगर वो आ गई ना, तेरी खैर नहीं भाई, खुद ही सही कर ले सारी किताबें। खानुम बुआ, बहुत देर लगा दी आपने। कमजोरी की वजह से याद ही नहीं रहा कहाँ रख दिए थे गुट्टे। अच्छा ये बताइए, मैं बिल्कुल सही तो खेल रही हूँ ना? एकदम सही। चलिए अब आप खेलिए। चलो दोनों मिलकर खेलते हैं। जुल बेटे। मानी आप? शिरीन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मैंने सोचा यहाँ आई होगी। मानी आपको तो पता ही है, शिरीन के सिर्फ दो ही शौक है, या तो मुर्गे मुर्गियों को दाने डाल रही होगी, या तो फिर किसी के साथ गुट्टे खेल रही होगी। और ये सलीके से सजी हुई किताबें तो आप देख ही रही हैं। हाँ, ऐसी बेकायदगी का शौक तो है शिरीन को। ऐसे ऐसे उस्ताद उस्तादी होते हैं। अच्छा तो रानी बिटिया, क्या हम अब बावर्ची खाना संभाल सकते हैं? अभी नहीं, किस्तों में। ये क्या बात हुई? पहले आप हमारे साथ खेलिए। तो पहले आप सीखिए। तो देखिए, ऐसे 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 अब आप खेलिए। एक एक उठाइए। अब आप एक बार और कीजिए। ये देखिए, इसको ऐसे डालना। धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। ऐसे उठाते ऐसे। अब आप खेलिए। जी ठीक। ताजी ये देखिए, ये देखिए। आइए। मानी आप ये अच्छी खासी बातें करते करते कहाँ खो गए? बेटा तुम सबके साथ घरदारी में अपने आप को बहलाए रखती हूँ, वरना एक फिक्र हमेशा कचोटती रहती है। क्या मानी? इतने बड़े प्रोफेसर की बेटी और पढ़ने का कतई शौक नहीं। उससे ना उम्मीद नहीं होते मानी, इंशाल्लाह शीरीन आपकी ये आरजू भी एक दिन पूरी करेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, खुश रहो। इसी बात पर मैं तुम्हारे लिए चाय और बर्फी लेके आती हूँ। ठीक है माँ। जी भर के बुराई कर ली मेरी अपनी मानी से, क्या नहीं करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, चाहे तरस खाके ही सही। तुम्हारे हाथ पे सब सलामत है, सब कुछ तुम कर सकते हो। तुमसे तो इतना सा भी बर्दाश्त नहीं होता है कि बेचारे बेजबान जानवर मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं थोड़ा सा उनको दाना डाल देती हूँ या दो चार गुट्टे खेल लेती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे पेट में मरोड़े क्यों उठते हैं। अब चुपचाप खड़े क्यों? मारे रोई ना थी। अच्छा जी, अब मैंने किसको मारा और किसको रोने नहीं दिया? तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी चिपनी चुपड़ी बातों में मेरी अम्मी तुम्हारी बातों में आ जाए, लेकिन ये खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो मेरे अब्बू के अच्छे बच्चे। मानी ले। शिरीन कभी तो बख्श दिया करो इसे। देखो मैं इसकी कितनी खिदमत करती हूँ। ए भुई, उसको खिलाने के बजाय बर्फी अपने मुंह में डाल ली। मानी जबरा मारे रोए ना दे। शिरीन, जुल का ये मुहावरा अंगूठी में नग की तरह तुम्हारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तुम्हारी तूतू मैमे का इख्तिताम यही होता है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, पटैया मेरे बाप का। जुल्फा, मेरे कबूतर और मुर्गियों की कसम, अगर तुम भूख से बिलबिलाओगे भी ना, तब भी मैं तुम्हें जरा सा छिलका नहीं दूंगी। ये हमारी बेटी, पल में तोला पल में माशा। अरे आप कब आए? बस इतनी देर हुई कि कपड़े बदले और मुंह हाथ धोया। हमारी बेटी शिरीन का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पैर पटकती हुई जा रही थी,
हुआ यूं कि आज जुल के कमरे में अदालत लगी हुई थी। तो मुद्दई और मुद्दा आलय के बीच आपने जज का किरदार निभाया होगा, बजा फरमाया आपने और फैसला भी आपने इंसाफ के साथ सुनाया होगा। बिल्कुल, ज्यादतियाँ और शिकायतें हमारी शीरीन की रही होंगी। फैसला आपने जुल के हक में सुनाया होगा जो कि बिल्कुल सही भी रहा होगा। तो लाजमी हमारी बेटी का पैर पटक करके जाना। अदालत बर्खास्त। अब कहाँ चले आप? अरे भाई, अपनी लाडली को मनाने के लिए। हे मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी शीरीन को जरा तो अक्ल बख्श। हर वक्त जुल के पीछे पड़ी रहती है। हम आ सकते हैं? अरे आपा, आप आइए ना, आइए बैठिए, मुझे बुलवा लिया होता। जीनत बेगम, कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। आपा, आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वक्त करवाता है। तुम्हारे कानों तक हमारी शीरीन और तुम्हारी नसीम की बहसम बहस की खबर तो पहुंच ही गई होगी, और इससे पहले कि ये खबर हैदर साहब तक पहुंचे और बेकार का बखेड़ा बढ़े। आपा, आपकी शीरीन और हमारी नसीम कहकर के आपने हमें बहुत खुश किया। दोनों ही हमारी बेटियां हैं, पर आपा, ये सिलसिला तो तब तक चलता रहेगा जब तक खुदावंत करीम अच्छा करे। दोनों अपने अपने घर नहीं चले जाते। खैर, अलबत्ता हमें शिकायत तो आपसे है। देखा, हुई ना शिकायत की शुरुआत। मुझे खदशा था समर आरा की तरफ से। जीनत बेगम, मैं समर आरा की बुराई नहीं कर रही, जो सच है वही कह रही हूँ। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। हम भी दुनिया देखे हैं, अकलमंद को इशारा ही काफी है। आपा, मेरी शिकायत में उस बेचारी समर आरा का देखा हो गई ना बेचारी। आपा, आप मेरी बात तो सुने। इतने दिनों बाद आपके दीदार हुए हैं, बस यही थी मेरी शिकायत। करें क्या, तुम्हारी नन चौंक की तरह तुमसे चिपकी रहती है। जीनत बेगम, समर आरा के शौहर मरने से पहले जो इतनी बड़ी रकम छोड़ गए थे, दोनों माँ बेटों ने उड़ा डाली। आपा, एक चिदा पैसा भी दोनों ने खर्च नहीं किया। मतलब? पूरी की पूरी रकम बैंक में जमा है। अब तुम खुद ही देख लो चालबाजी और फितरत को, अपना सारा पैसा बैंक में ताकि दूध पीता रहे और दूसरों के पैसों पर गुलछर्रे उड़ाए जाए। आपा, आपके बहनोई ने पूरे का पूरा पैसा खुद बैंक में जमा करवा दिया है, इस ताकीद के साथ कि जब तक जुल्कर नैन अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, इस पैसे को हाथ भी ना लगाया जाए, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं जिम्मेवारियां उठाने के लिए। खैर, छोड़िए ना आपा। ना बेबी ना, आंख खुली होने पर तो मक्खी नहीं खाई जा सकती। कौन मक्खी खिला रहा है आपा, और किसको खिला रहा है? फिर वही बात आ जाएगी। कौन सी बात? मेरा खून शीरीन। कौन शक कर रहा है? शक नहीं, कान भरे जा रहे हैं। कौन किसके कान भर रहा है? तुम्हारी नन समर आरा। किसके? हमारी भांजी शीरीन के। समर आरा, आपको कोई वहम हो गया है आपा? छोटी, तुमने शीरीन को बताया कि मेरे और नसीम आरा के कहने पर उसका अजायब खाना इस घर के पिछवाड़े किया गया है? आपा, अभी शीरीन को बुला करके खुलासा करती हूँ। हाशिल्लाह हाशिर रहमान, जीनत बेगम, ऐसा गजब ना करना। क्या तुम चाहती हो हम दोनों माँ बेटी बुरके पहनकर उसका सामना करें? जीनत बेगम, तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर हम मजबूर ना होते तो इस घर में कभी नहीं रहते। आपा, ये सब कुछ कहकर के आपने मुझे दुख पहुंचाया है। मैं अभी शीरीन को ठीक किए देती हूँ। नहीं जीनत, नहीं, तुम नहीं जानती, समर की चहेती बन चुकी है,
पर आपकी भांजी और हमारी बेटी है। ओ बहरे जुल्फाम, कहां मर गए हो तुम? अगर एक मिनट के अंदर तुम यहाँ नहीं आए तो याद रखना तुम्हारे हश्र के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। सुन रही हो शीरीन की बंकार? जीनत, तुम्हें शीरीन की झक का कोई अंदाजा नहीं है। आपा, माँ हैं हम उसकी। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे जाने दो। चलिए ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ देकर शीरीन ना जाने कितने सवालों की बौछार कर देगी। तुम्हें मेरी कसम, मेरा मुर्दा देखो जो तुम इस बात का शीरीन से जिक्र भी करो। मैं भी कुछ अजीब सा नहीं होने लगा? मेरा दिमाग जहां इधर उधर होता है, मेरी याददाश्त मेरी आजमाइश लेने लगती है। हाँ, याद आया। जुल की नौकरी के सिलसिले में तमीजुद्दीन साहब को मुझे फोन करना था। सुना है काफी झक्की किस्म के इंसान है। देखते हैं। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों हमारे घरे को तकलीफ बढ़ा रहे हो? बोलो। यकीनन बहुत झक्की किस्म के इंसान है। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन आपने मिलाया है। अरे भाई, आपको अपना नाम बताने में क्या हर्ज है? पहले आप अपना नाम बताएं। मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हैं? भाई आपका नाम जान के मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे नहीं बात करनी है। सुल बेटा, इधर हो, जरा इधर तो आना। क्या बात है मामूजा, नंबर एंगेज जा रहा है क्या? नहीं बेटे, मैंने तमीजुद्दीन साहब को फोन लगाया था, उनसे उनका नाम पूछा, उन्होंने फोन काट दिया। काफी झक्की किस्म के इंसान लगते हैं। हाँ मामूजान, सुना तो मैंने भी है, पर आपको बताया भी था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें। पर क्या करें मामूजान, अब मेरे लिए तो उनसे बात करना जरूरी है। हाँ बेटे, बात तो सही है, लेकिन वो शख्स बात करने को तैयार नहीं। ऐसा करो, तुम उनको फोन लगाओ, तुम उनकी आवाज़ तो पहचानते हो ना? जी बिल्कुल, आओ। वो नंबर नंबर रीडायल कर दो। बेल तो जा रही है। मुझे बार बार फोन करके परेशान करने वाले बहुत ही नामाकूल किस्म के इंसान लगते हैं आप। मामूजान, यकीनन ये तमीजुद्दीन साहब ही हैं। उससे में इनकी आवाज और भर्राने लगती है। रिसीवर कान से लगाए रखो। अरे यार, कुछ मुंह से फूटोगे भी या घोंगे भर रखे। मामूजान 100% ये वही हैं। गुस्से में बौखला रहे एकदम। ठंडा करने की कोशिश करो, ठंडा करने की कोशिश करो। देखिए अब मैं अरे कम्बख्त, तू फोन पर है, टीवी पर नहीं, क्यों मेरे गले को तकलीफ पहुंचा रहे हो? वो आप तमीजुद्दीन साहब ही बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं कोई तमीजुद्दीन नहीं बोल रहा हूं, और ना मैं बदतमीजुद्दीन हूं। मैं रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर सुल्तान आगा बोल रहा हूं। जनाबे अली सुल्तान आगा साहब? सुल्तान आगा? सुल्ताना का वही जो दिल्ली में रहते हैं? हाँ, तुम जिनका बेटा सरवर और बेटी तरन्नुम? क्या मैं हैदर बेग से बात कर रहा हूँ? अरे यार, तू अपना पता बता यार, पता बता। हाँ, एम्पायर गेस्ट हाउस। मैं भी पहुँच रहा हूँ। बेटे, तुम अपनी मुमानी को ये चमत्कारी मिलाप की खबर जरूर देना। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, कपड़े बदल के फौरन निकल। जी मानी, मानी क्या हुआ है जुल्फा? क्यों इतना कलेजा फाड़ कर हमारी अम्मी को पुकार रहे हो? कहीं कोई आग लगा के भागे हो? क्या हुआ जुल? मानी चमत्कार, करिश्मा, आपको तो पता है मामूजान हमारे काम के सिलसिले में तमीजुद्दीन साहब से बात करने वाले थे। हाँ, तो तुमने ही कोई गलत नंबर मिला दिया होगा और सलवातें सुननी पड़ी होंगी हमारे अब्बू को। बेटा, इसे पूरी बात तो कर लेने दो। हाँ बको। मानी बोलो बोलो। सामने वाले ने तो सबक ही ले लिया हमारा। तुम्हारा ना
शिरीन, सामने वाले के बार बार फोन काटने पर मामू जान ने हमसे फोन मिलाने को कहा। अब उनका गुस्सा और झुंझलाट ना तो हमें समझ में आ रहा था और ना मामू जान को। बड़ी गलत फहमी है जनाब को कि आप भी समझ रखते हैं। सामने वाले की गुफ्तगू के अंदाज पर मामू जान ने बेतहाशा कहा, सुल्तान आगा तुम? उधर से आवाज आई, हैदर बेग तुम? टेलीफोन के तारों ने हम दोनों को अचानक यूं कमाल मिला दिया। कमाल है, सुल्तान अंकल लखनऊ में है और अब्बू को पता भी नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हारे अब्बू को उनसे मिलने जाना चाहिए। अरे भाई 40 साल का दोस्ताना है। मिलने जाना चाहिए? मानी मामू जान तैयार हो रहे हैं और अभी बाहर आते होंगे। बेगम मैं इतना सुल्तान आगा से मिलके आ रहा हूँ। आ मेरे यार। बैठो। यार सुल्तान आगा, तुमने हमारे 40 साल के यारने पर पानी फेर दिया। लखनऊ आए और अपने यारे गार को इत्तला नहीं की। यार हैदर, हमारे बच्चे इस मकान में कैसी कसमा पुरसी में हैं। तुम्हारा मकान तो किले जैसा हुआ करता था यार, उस मकान को छोड़कर इस कुलकुया में क्यों आ गए तुम? फिनांस से बताऊंगा। जहां तुमने बताया था कि तुम अपना वो मकान किराए पर उठाने वाले हो, इस वादे के साथ कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो वो शख्स वो मकान तुम्हें वापस कर देगा। मेरे भाई, किसी के माथे पे बेईमान और ईमानदारी नहीं लिखी होती है। मकान वापस करने की बात कर रहे हो? उस खबीस ने तो मेरे मकान का सौदा कर डाला। अब मेरा सारा लाया सामान एक गोदाम में बंद है। खैर, पहली बात तो ये कि तुम्हारा मकान उसके बाप को भी वापस करना पड़ेगा। मेरे यार, दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत ले रहा हूं, अपने मकान की साफ सफाई करा लूं, फिर इंशाल्लाह तुम हमारे साथ रहो। अच्छा मैं चलता हूं। चाय वगैरह नहीं? नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक गलती तो तुम कर ही चुके हो, मुझे इत्तला न कर। और 2 दिन के बाद अपने सारे सामान के साथ अगर तुम हमारे घर तशरीफ नहीं लाए तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ फेरो, वो देखो, तुम्हें पता है आज हैदर साहब के 40 साल पुराने दोस्त आ रहे हैं अपने सामान और बच्चों के साथ। वो देखो, ऊपर से सारा वो साफ करो। हाँ, अच्छे से साफ कर दो, फटाफट हाथ चलाओ। ए नसीम आरा, लगता है कोई नया शहंशाह पैदा हो गया है और इसी घर में रहने आ रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं मम्मा, क्योंकि हमने खाला जान को खुद शिरीन, जुल और दूसरे सफाई वालों के साथ सफाई करते देखा है। हाँ देखो ना, बरसों से जैसे भूतों का डेरा बना हुआ था। और देखो मेरी एक बात सुन लो, तुम भी सुनो, अगर हैदर साहब को तुम सब लोगों का काम पसंद आया तो वो तुम्हें इतनी बख्शीश देंगे कि तुम खुश हो जाओगे। ठीक है मैडम। तो चलो जल्दी जल्दी अपना हाथ फेरो, जल्दी से काम खत्म करो, बस वो आते ही होंगे। मम्मा देखो ना, घर का कोना कोना कैसे जगमग चमचमाने लगा है। यकीनन कोई ना कोई लंबी आसामी का आमद है। तरन्नुम बेटा, तुम सब लोग इतने अच्छे हो कि चंद ही दिनों में तुम सब मुझे अपने से लगते हो। चची हमें याद है, हम उस वक्त काफी छोटे थे और हम रानी खेत में होटल में रहे थे। सुल्तान आगा भाई साहब और हैदर साहब ने छुट्टियां इकट्ठे बिताने का प्रोग्राम बनाया था। जी, और उस वक्त हमारी अम्मी हयात थी। भाभी बताती हैं तरन्नुम, तुम्हारी अम्मी खुदा बख्शे फरिश्ता किस्म की बड़ी नेक शख्सियत थी। समराना भूपी, वो इतनी अच्छी थी, शायद इसीलिए अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तरन्नुम बाजी, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे हम सब सालों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं? तुम ठीक कह रही हो। और पता है सबसे ज्यादा कौन खुश है? अरे बेशक, तुम्हारे और हमारे अब्बू। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी।
ए नसीमारा, बेटी हमने तुमको किस कदर समझाया था कि जो लोग यहाँ आकर बसे हैं यकीनन रईस घर आना है। हाँ मम्मा, आपका ख्याल बिल्कुल सही था, वो कार भी साथ लेकर आए हैं। इसीलिए कहा था कि इससे पहले जीनत की नंद समर आरा और वो आफत की परकाला शिरीन, उनसे ताल्लुकात बढ़ा ले, तुम उनकी कुर्बत हासिल कर लो। तुमने ना सुना, सुन रही हो उनके कह कहे? मगर मम्मा, मुझे तो लगता है कि खाला और खालों की पहचान उनसे नई नहीं है। देखो ना, इतनी जल्दी वो लोग एक दूसरे से हम प्याला हम निवाला हो गए हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मगर शिरीन का बहुत ध्यान रखना, चील की नजर रखती है। यू समझो, पत्ता फड़का बंदा फड़का। जुल बेटा। आदाब चाचा। जी बेटा, सलामत रहो। तुम दोनों के आपस के मेल को देखकर हम बहुत खुश हैं। सरवर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। जी चाचा, वो खुद बहुत अच्छे हैं। हम काफी लेट हो गए हैं और मुझे हर हालत में यूनिवर्सिटी में तरन्नुम का दाखिला कराना है। तुम्हारे माशाल्लाह से मरासिम सुना अच्छे हैं। जी चाचा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, अंजाम तक पहुंचाना होगा। जी बेहतर, चलिए मैं चलता हूँ। परवरदिगार, ये क्या किया तूने? तूने भोले भाले खुबरा नेक शख्स को मेरे सामने ला खड़ा किया। मैंने हमेशा तेरी खुदाई को तस्लीम किया है, लेकिन ये कौन सा जज्बा तूने मुझ में पैदा कर दिया और मेरे लबों को भी सी दिया कि मुझसे कुछ कलाम भी नहीं किया जा रहा।